आज हम रूल ऑफ नाइन के बारे में जानेंगे। रूल ऑफ नाइन जो है वो हम यूज करते हैं बॉर्न पेशेंट में टू कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस बॉर्न बॉडी सरफेस एरिया। जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, ये जो है वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस का, ये जो हमारा वो पोस्टीरियर सरफेस का डायग्राम है, ये पोस्टीरियर सरफेस का है और ये जो है हमारा एंटीरियर सरफेस का। पोस्टीरियर सरफेस मीन्स ये जो हमारा पीछे का है पोर्शन का सो है, और एंटीरियर मीन्स ये आगे का पोर्शन का सो है हमारा जो परसेंटेज है। सबसे पहले हम हेड को देखेंगे। ये जो हेड है ये पीछे का हेड और ये आगे का जो हेड है, दोनों का जो है ना 4.5 एंड 4.5% जो है हमारा परसेंटेज रहता है। तो टोटल जो हेड का आगे और पीछे का मिला के हमारा 9% हो जाएगा टोटल। उसके बाद हम देखते हैं हैंड का। हैंड में जो हमारा एंटीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों सरफेस का मिला के 4.5 एंड 4.5, तो टोटल जो हो जाएगा वन हैंड का जो है वो 9% हो जाएगा। एंड देन लेग का देख रहे हैं तो हमारा जो एंटीरियर ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया और ये एंटीरियर सरफेस है, तो दोनों का जो पोस्टीरियर सरफेस है वो 9% हो गया हमारा और जो एंटीरियर सरफेस है वो 9% हो गया। तो वन लेग का जो हमारा 18% होगा। और देन हम ट्रंक पे आते हैं, तो ट्रंक का जो है टोटल जो हमारा ये ट्रंक का एरिया है ये टोटल जो हमारा वो 18% हो जाएगा। इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया जाएगा 9 9, तो वन साइड का जो पीछे वाला ट्रंक का एरिया वो 18% है और आगे वाला जो ये ट्रंक का एरिया है ट्रंक, तो ये भी हाफ हाफ में डिवाइड है 9 9%, टोटल 18% हो गया। तो टोटल जो हमारा ट्रंक का जो हो गया वो हमारा 36% हो जाएगा। देन आफ्टर हम एक क्विक देख लेते हैं आम। आम का जो टोटल है वन वन आम का आगे पीछे मिला के हमारा कितना हो रहा था, 9% हो रहा था। तो बोथ आम का टोटल 18% हो जाएगा। बोथ आम का टोटल 18% हो जाएगा। हेड का आगे और पीछे दोनों मिला के 9% हो जाएगा, 4.5 एंड 4.5। ग्राइन का जो है हम 1% कंसिडर करते हैं। लेग लेग का जो है वन लेग का हमारा टोटल 18% आ रहा था, 9 9% आगे और पीछे का, तो बोथ लेग का जो हो गया हमारा टोटल 36% हो गया। देन आफ्टर एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक आगे का जो ट्रंक हो गया टोटल 18% हो जाएगा एंड पोस्टीरियर ट्रंक 18% हो जाएगा। टोटल आगे और पीछे दोनों ट्रंक का मिला के हमारा 36% हो जाएगा। देन आफ्टर हम जानेंगे कि जो फ्लूइड कैलकुलेशन है पार्कलैंड फार्मूला से इन बॉर्न पेशेंट, मेनली पार्कलैंड फार्मूला आरएल का कैलकुलेशन, आरएल जो फ्लूइड है हमारा उसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें पेशेंट का टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज और बॉर्न बॉडी सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए और पेशेंट का वेट पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला में 4 4 × % ऑफ बॉर्न बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट्स इंटू वेट वेट ऑफ द पेशेंट इन केजी यूज करेंगे। इसमें जो भी हमारा ml में फ्लूड कैलकुलेट होगा, मान लेते हैं कि हमारा 10,000 ml आ रहा है, 10,000 ml मतलब 10 लीटर आ रहा है, 10 लीटर फ्लूड आ रहा है, तो उस फ्लूड को हम टू पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हाफ हाफ, मीन्स 5 5 लीटर जो फ्लूड होगा उसको हम फर्स्ट 8 आवर्स में उसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट जो 5 5 लीटर बच्चा है फ्लूड हमारा, तो उसको नेक्स्ट 16 आवर में हम उसको ख़त्म करेंगे फ्लूड को। थैंक यू।